कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर बोले, अमीर और गरीब में से गरीब को विधायक चुनो, जिसका हाथ पकड़ कर काम करवा सको, जिसका कुर्ता पकड़ सको। आप में से ऐसा कौन है जो अपना काम करवाने रामनिवास रावत का कुर्ता पकड़ सके? आगामी कुछ ही समय में विजयपुर विधानसभा में होने जा रहे उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेने विगत शनिवार को ग्वालियर ग्रामीण के विधायक साहब सिंह गुर्जर कराहल आए हुए थे। कराहल आगमन पर उनका जिले की सीमा पर कांग्रेस विधायक ब्लॉक अध्यक्ष महेश गुर्जर और उनके समर्थकों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इसके पश्चात विधायक कराहल स्थित कांग्रेस कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हुए उनमें जीत का जोश भरा। उन्होंने कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा के समर्थन में वोट मांगे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस बार उपचुनाव में अपने मौजूदा कई विधायकों की तैनाती सेक्टरों पर लगाई है, जिसमें साहब सिंह गुर्जर को भी 8 बूथों की जिम्मेदारी दी गई है, जिनका उन्होंने भ्रमण किया। अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाने वाले कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर कई गाँव में भी पहुंचे। एक जगह तो वह भैंस का दूध भी निकालते नजर आए। प्रथम बार जिले में आने पर उनका कई जगह समाज बंधु द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। कराहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मुझे बताना सर, अपने दिल पे हाथ रख के बताना, क्या रामनिवास सिंह जी का कोई कुर्ता पकड़ सकता है? आपके संभावित प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा जी का हाथ भी पकड़ लोगे, कुर्ता भी पकड़ लोगे और अपना काम भी करा लोगे। ये अंतर होता है बड़े और छोटे और अमीर और गरीब में। तो आपको अपने बीच का व्यक्ति चुनना है, ऐसे व्यक्ति को चुनना है जिससे बेहिचक अपनी बात कह सकते हो, नजरों में नजर डालकर बात कर सकते हो, सीना तान कर बात कर सकते हो। जो आपकी बात को सुनेगा वही व्यक्ति जनता के दिल को जीत सकता है। साथियों, मैं अपने कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए आप सबसे आशीर्वाद और सहयोग मांगने आपके बीच में। भाई साहब, आज आप कांग्रेस कार्यालय कराल पर आए हुए हैं जी। आगामी समय में उपचुनाव है, आपको ही पता है उपचुनाव मंत्री के खिलाफ किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये चुनाव एक गरीब और एक अमीर के बीच में है। ये चुनाव विजयपुर विधानसभा के सभी बिरादरी के भाइयों को इज्जत और सम्मान देने का चुनाव है। आप सबको मालूम है कि ये उपचुनाव में सरकार पैसे और प्रशासन की दम पर इस चुनाव को जीतना चाहेगी, मगर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रही है कि गरीब अमीर, गरीब मजदूर किसान बेसहारा परेशान, इन सबको दर्द, इनका दर्द समझने वाली कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि आदिवासी समाज के एक भाई को, जो झोंपड़ी में रहने वाला भाई है, उसको टिकट देगी कांग्रेस पार्टी और उस भाई के साथ सभी बिरादरी के भाई एकजुट होकर और चुनाव जिताने का काम करेंगे। क्योंकि सरकार पैसे प्रशासन की दम पर चुनाव जीतना चाहती है, हम जनता की दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। दोनों में अंतर स्पष्ट है। ये चुनाव सभी के इज्जत और सम्मान का होगा, ये विकास का चुनाव होगा। इससे पहले जो विधायक रह गए उन सबको मालूम है कि ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी थी कि उनको पार्टी छोड़ना पड़ी। आपको मालूम है, जब जनता ने चुना है, जनता के चुने हुए वोट से आपको विधायक बनाया गया और आप निजी स्वार्थ की खातिर लालच में आकर पार्टी को छोड़कर चले गए। ऐसी क्या दिक्कत परेशानी थी आपको? जो जनता किसी को विधायक बनाना जानती है तो उसको गिराना भी जानती है। आपका प्रत्याशी क्या मुकेश मल्होत्रा लगभग क्या माने जा रहे हैं? देखो, ये वरिष्ठ नेतृत्व जो फैसला लेगा, निश्चित तौर पर जो विजयपुर विधानसभा की आवाज़ जिसके पक्ष में होगी, कांग्रेस पार्टी उसको वोट देगी। जो सरल स्वभाव का व्यक्ति होगा, जो सबकी बात सुनता होगा, जो सबके विकास दुख दर्द में शामिल होता होगा, उसको कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी, विजयपुर विधानसभा की जनता ने फैसला ले लिया है कि इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी।